हे गाइस, वेलकम बैक कापी कमाल के न्यू इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ आपके सामने। सो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ के साथ। तो आप MIUI 11 का मीडिया कंट्रोल सेंटर आप अपने किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास पोको X2 है जिसमें MIUI रन हो रहा है, तो इसमें भी यार ये काफ़ी अच्छे से वर्क हो रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में पावर शेड, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जो भी परमिशन मांगता है आपको उसको अलाउ करना है। सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कोई भी इशू होने वाला नहीं है। सिंपली इस एप्लीकेशन को आप ट्राई करके एंड्रॉयड 11 का जो लेटेस्ट क्विक टॉगल है मीडिया कंट्रोल के साथ आता है, इसको आप यूज़ कर पाओगे। सो गाइस, सभी परमिशन का एक्सेस देने के बाद आप Xiaomi, Redmi या Poco का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, मतलब MIUI का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो इस एप्लीकेशन को आपको रिसेंटली लॉक करके रखना पड़ेगा। उसके बाद ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छे से होगा, वर्क होगा और आप एंड्रॉयड 11 का क्विक टॉगल अपने फ़ोन में यूज़ कर पाओगे। उसके बाद गाइज, आपसे स्मॉल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर 86% ऐसे व्यूवर्स आते हैं बस वीडियोस को देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ यार, जो 12% का नीचे का रेशियो है वो बढ़ाओ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ या इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए हमेशा वीडियोज़ लेके आता हूँ। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साइड वाला जो बेल आइकन है वहाँ पे जाके ऑल पे प्रेस कर देना। सेकेंड न्यूज़ आ रही है पोको F1 के MIUI 12 के अपडेट्स के रिगार्डिंग। सो पोको X2 के लिए जैसे ही MIUI 12 का अपडेट मिला है, उसके बाद पोको F1 के लिए MIUI 12 का अपडेट कब, पोको F1 के लिए MIUI 12 का अपडेट कब आएगा, उसके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। सो फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है पोको F1 के MIUI 12 के अपडेट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वीक से ये रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा बीटा यूजर्स के लिए। और यार, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है कि बग्स के कारण ये अपडेट डे बाई डे डिले होता जा रहा है, पर नेक्स्ट वीक से यहाँ पे इसका बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है पोको X2 के MIUI 12 के अपडेट के रिगार्डिंग। तो अपडेट सस्पेंड हुआ था कल, सो गाइस क्योंकि बहुत सारे बग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। सिम कार्ड्स होने के बावजूद भी बहुत सारे बैंकिंग एप्लीकेशन में सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं हो रहा था, उसके बाद ये अपडेट रोल बैक हुआ था और आज फिर से ये अपडेट रोल पुश आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में आप देख सकते हो। गाइज, अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला तो अपडेट कैसे करना है इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है, वो वीडियो देख सकते हैं। उसके साथ इसके क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसका भी वीडियो बनाया है, जरूर वीडियो देख लेना। और इस अपडेट के बाद कुछ आपको प्रॉब्लम आता है तो मदन गायकवाड जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर हम अपडेट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।